अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अम्मी जी उठी होगी, चाय बना लेती हूँ। हाय मेरे जोड़ा साका, सुबह भी पता नहीं कहाँ चली गई, अब तक सुबह की चाय भी नहीं लाई। अम्मी जी चाय रख दो, वही पर पी लूंगी, ऐसी होती होगी महारानी। सुन रिया को मत जगाना, थोड़ी देर सोने दे, बहुत नींद आ रही है। चल बेटा तू सो जा। ठीक है माँ। भाभी चाय लाओ और मेरे कपड़ों पर प्रेस भी कर देना और मेरे कमरे की अच्छी तरह सफाई भी कर देना। अरे बाबू जरा गिलास पानी ला, कमरे के अंदर बैठ कर सुनती ही नहीं। दादा तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है क्या? नहीं माँ, अब तक तो नहीं लाई। छोड़ो ना माँ, काम चोरी है, कब से कपड़े प्रेस के लिए दिए थे, अब तक तो नहीं लाई, कहीं जला जुलू तो नहीं दिए? हाँ बेटा जला ही दही, काम तो सही आता ही नहीं, पता नहीं कहाँ से ले आई, कहाँ थी मेरी ऐसी किस्मत। सही बोल रही हो मम्मा। बतला दो, बताओ बेटा क्या बतलाना है? ठीक है माँ। बहू इधर आना। बेटा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है माँ। मम्मा देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी बेटी राजकुमारी जैसी लग रही है, बहुत बढ़िया। जरा नालायक पाओ के पर नजर मत डालना। नहीं मम्मा, मेरी नजर तो भाई बही रहती है। मम्मी सही बोल रही हो मम्मी, ये बहना मुफ्त की रोटियां तोड़ी और तोड़ने के लिए आई है।
माँ दादी आप माँ दादी बहुत बुरी है, आपको बहुत तंग करती है। नहीं बेटा, दादी बिल्कुल बुरी नहीं है, वह तो मुझे प्यार से समझाती है। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं पढ़ूंगी। ठीक है, चला कर जल्दी, पैर दबा, मेरे पैरों की जान निकली जा रही है। अरे चला जल्दी, इतना तो चूस चूस कर खाती है, तब भी बात समझ नहीं आती। एक घंटे बाद मालूम नहीं है तुझे आज रखने वाला होगा। जी माँ मालूम है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और आप चिंता ना करो। ठीक है फिर जा। दादी मैं भी खाऊंगी। नहीं बेटा, ये छोटा बच्चा नहीं खाते। नहीं इतना जोर से बोलता है, एक बात करते है बड़ा सा, ये सब इसकी माँ ने सिखाया होगा। दादी से इस तरह बात कर रहे थे, कुछ इस तरह हंस रही है, तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। जी हाँ।